हमारे मोदी जी ठीक कह रहे हैं। मोदी जी का जो विजन है आप देखेंगे उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको लेके मोदी सरकार काम कर रही है। लेकिन एक प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक एक अल्पसंख्यक समुदाय का है, यानी कि दूसरे जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, यानी कि मतलब उनका कोई हक नहीं है। इसलिए मोदी जी ने कहा कि इस देश के संसाधनों पर अगर पहला हक होगा तो गरीब का होगा, वो आदिवासी का होगा, वो पिछड़े का होगा, वो अनुसूचित जनजाति का होगा। तो सोच में फर्क देखिए, अगर गरीब की बात आती है तो उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है। अगर एक खास पर्टिकुलर अल्पसंख्यक कहेंगे, उसमें भी जो कहा है अल्पसंख्यक में भी खास तौर से मुसलमानों का, तो ये भाषा किसी प्रधानमंत्री की ठीक नहीं है। ये देश को तुष्टिकरण की तरफ ये भाषा, और हमेशा कांग्रेस का हमेशा देखिए उसने तुष्टिकरण की राजनीति की है, जिसके कारण इस देश के समाज को बांटने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है, अगर किसी पार्टी के नेतृत्व ने किया है, तो वो कांग्रेस ने किया है।